हफ्ता तो खत्म हो गया पर पिछले एक हफ्ते में काफी क्रेजी चीजें हुई है हमारे स्टार्टअप की दुनिया में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्णव नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस क्रिप्टो फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना और हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। भैया अब इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को ना रोकना नामुमकिन हो गया है। तो यूनिकॉर्न्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे इंडिया में तीसरे सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं दुनिया भर में, करीब 51 यूनिकॉर्न्स हैं। पर सबसे चौंका देने वाली बात है कि यार एक इंडियन यूनिकॉर्न का एवरेज वैल्यूएशन 3.3 बिलियन डॉलर्स है, जो कि अमेरिकन यूनिकॉर्न के वैल्यूएशन जो कि 3.1 बिलियन डॉलर्स है उससे ज़्यादा है। तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं इंडियन यूनिकॉर्न्स और सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स यूएस में है, फिर चाइना में है। बार आपका फेवरेट इंडियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। मोटा भाई अंबानी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है। मतलब अगर आप सेंटी बिलियनर्स की लिस्ट देखेंगे, ये ऐसे बिलियनर्स हैं जिनकी नेटवर्थ 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। आप मोस्टली अमेरिकन सेंटी बिलियनर्स को ही पाएंगे, बट अब लग रहा है कि यार मोटा भाई अंबानी इंडिया के पहले सेंटी बिलियनर होने वाले हैं, क्योंकि पिछले 5 दिन में रिलायंस का शेयर प्राइस 8% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। मोटा भाई अंबानी का भी नेटवर्थ 95 बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर गया है और 100 बिलियन डॉलर्स इतना बड़ा नंबर है ना, अगर आप हर मिनट 4.8 करोड़ रुपीज़ खर्च करें तब भी आपको 100 साल से ज़्यादा लगेंगे उतने पैसे खर्च करने में। बट मोटा भाई अंबानी है यार, अलग ही लेवल पर वो ग्रो कर रहे हैं। बट क्या आपको लगता है कि यार अदानी आगे जाके मोटा भाई अंबानी को क्रॉस कर पाएंगे? मतलब अदानी की भी नेटवर्थ 70 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है। अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। इलेक्ट्रिक व्हीकल लवर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि अब शाओमी ने भी अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस फाइनली रजिस्टर कर लिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि यार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को अब काफ़ी कॉम्पिटिशन आने वाला है, क्योंकि कई सारे टेक कंपनीज जैसे कि शाओमी हो गया है, बताया जा रहा था कि यार एप्पल भी शायद इस फील्ड में एंट्री मारेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एज टेक प्रोडक्ट्स देखा जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि यार टेस्ला का भी शेयर प्राइस इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ली जुन जो कि कोफाउंडर और सीईओ हैं शाओमी के, उनका कहना है कि यार अगले 10 साल में वो 10 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे शाओमी के ईवी बिजनेस में। पर आपको क्या लगता है कि यार शाओमी का जो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा वो कार होगा, टू व्हीलर होगा, बस होगा, क्या होगा? कमेंट्स में अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना और उसका थोड़ा प्राइस भी एस्टिमेट मार लो। टेस्ला का शेयर प्राइस और कितना बढ़ सकता है? मतलब दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर तो है ही, उनके नीचे जो 2-3 सबसे बड़ी कंपनीज है उन सबका मार्केट कैप ऐड कर दोगे तब भी टेस्ला का मार्केट कैप ज़्यादा होगा। और पिछले 2 साल में टेस्ला का जो शेयर प्राइस है 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ के अब $700 के ऊपर है। पर आर्क इन्वेस्ट के सीईओ कैथी वुड का कहना है कि यार अगले कुछ साल में टेस्ला का शेयर प्राइस $3,000 क्रॉस कर सकता है। और उसके बाद एलन मस्क ने भी बोला कि हम ये नंबर क्रॉस कर सकते हैं अगर हमने एग्जीक्यूशन सही से किया। तो भैया टेस्ला तो अलग लेवल पे स्केल कर रही है, देखते हैं कि यार टेस्ला के साथ कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी कम्पीट कर पाएगी। टेस्ला लवर्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि बताया जा रहा है कि शायद 2023 तक टेस्ला एक इलेक्ट्रिक हैचबैक लॉन्च करेगा 18.5 लाख की यानी $25,000 की। और जो सबसे क्रेजी चीज़ है कि शायद इसमें स्टीयरिंग व्हील ही नहीं होगा, मतलब शायद पूरा सेल्फ ड्राइविंग पे ही फोकस रहेगा। गाड़ी में बैठो, जहाँ जाना है लोकेशन दबाओ और खुद वो गाड़ी पहुँच जाएगी। बट भैया एलन मस्क को थोड़ा इंडिया के बारे में भी सोचना चाहिए, ये सारी चीज़ें इंडिया में कैसे चलेगी। चलो देखते हैं, पहले टेस्ला की गाड़ी इंडिया में लॉन्च तो हो जाए। वैसे आप में से कितने लोग टेस्ला के इंडिया आने से एक्साइटेड हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छा थोड़े आईपीओ के भी अपडेट्स ले लेते हैं। बताया जा रहा है कि यार स्नैपडील बहुत जल्द अपना आईपीओ के लिए फाइल करेगा, जिसमें वो $400 मिलियन रेज करेगा 2.5 बिलियन डॉलर्स के वैल्यूएशन पे। तो एक टाइम पे तो यार स्नैपडील फ्लिपकार्ट अमेजोन के साथ कम्पीट करता था, बट फिर ऑलमोस्ट वो खत्म होने वाला था, डूबने वाला था, बेचे जाने वाला था फ्लिपकार्ट को। बट उनके फाउंडर्स ने बोला कि नहीं भैया हम इसको अलग तरीके से चलाएंगे। और अब स्नैपडील तो ठीक ठाक चल रहा है, वैसे वो दूसरे सेगमेंट्स को टारगेट कर रहा है। बट आप में से कितने लोग स्नैपडील को यूज़ करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। उधर मैप माई इंडिया ने भी 1200 करोड़ रुपये का अपना आईपीओ फाइल कर दिया है। तो मैप माई इंडिया पावर करता है इंडिया में एप्पल मैप्स को, और यहाँ पे आप मान लो गूगल मैप्स का कॉम्पिटिटर ही है। और देखना पड़ेगा कि यार उनका आईपीओ कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अब हम थोड़ी बहुत क्रिप्टो न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। भैया क्रिप्टो की दुनिया में तो अब हर जगह NFT छा रहा है। NFT मतलब नॉन फंजिबल टोकन। और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि ये जो शिबा इनू जो मीम है उसका एक NFT बनाया गया था और उसको $4 मिलियन यानी करीब 32 करोड़ रुपये में जून में बेचा गया था। तो उसके फाउंडर ने क्या किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, करीब 17 बिलियन पीसेस कर दिए और उनको बेचने लग गए। और अभी आप जान के हैरान रह जाएंगे कि यार ये जो डॉलर डॉग का जो NFT का जो वैल्यूएशन है 550 मिलियन डॉलर्स यानी 4000 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया है।
मतलब यार इतना बड़ा नंबर तो आप इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है। और आप में से कितने लोगों ने NFT में इन्वेस्ट किया कमेंट्स में ज़रूर बताना। सोचो कि यार जो अमिताभ बच्चन की जो बड़ी बड़ी क्लासिक मूवीज़ थी जैसे कि शोले, उनके आपको ओरिजिनल पोस्टर्स पे अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर मिल जाए, या फिर जो अमिताभ बच्चन के पिताजी हर्ष राय बच्चन ने जो मधुशाला लिखा था उसको अमिताभ बच्चन खुद अपनी आवाज़ में नरेट करें और उसकी स्टोरी भी समझाएं, तो ये तो यार अमिताभ बच्चन फैंस के लिए बहुत बड़ी बात होगी। सेम वे अगर मान लो कि यार आपको सनी लियोनी से डिजिटली मिलने का मौका मिले, इंटरेक्ट करने का मौका मिले, तो आप सोचोगे कि भैया ये सब पॉसिबल कैसे होगा। तो भैया NFT की दुनिया में ये सब पॉसिबल हो सकता है। और अब अमिताभ बच्चन, सनी लियोनी ये सब धीरे धीरे NFT की दुनिया में एंट्री मार रहे हैं, तो इनके भी जो लॉन्चेस अगले कुछ महीनों में बहुत जल्द होने वाले हैं। और अभी अगर आप WZIRX के NFT मार्केट प्लेस में जाएंगे वहाँ तो आप ऋत्विज जो कि उड़ गए, उनका गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, उसका भी NFT ले ही सकते हैं। तो आप में से कितने लोग NFTs में इंटरेस्टेड है कमेंट्स में ज़रूर बताना, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। और अब हम थोड़ा बहुत फंडिंग न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, क्या आपको Lamborghini चाहिए? खरीदने के लिए नहीं यार, रेंट पे खरीदना तो बहुत महंगा है। तो आपको पता है क्या आप बैंगलोर में एक दिन के लिए Lamborghini Gallardo रेंट पे ले सकते हो 1.33 लाख में? ऐसे ही आप जैगुआर, मर्सिडीज, BMW की महंगी महंगी गाड़ियाँ मुंबई, दिल्ली, यहाँ सब भी रेंट पे ले सकते हो। और ये पॉसिबल है कार रेंटल स्टार्टअप हाइप लग्जरी के थ्रू। तो हाइप लग्जरी को अभी रिसेंटली फंडिंग मिली है रेजर पे के जो नया VC फर्म है मार्शॉट वेंचर से। और महंगी महंगी गाड़ियाँ को रेंट के अलावा आप यॉट्स, प्राइवेट जेट्स ये सब भी बुक करा सकते हो। ये महंगी गाड़ियाँ भी आप सेल्फ ड्राइव के लिए भी ले सकते हो, शॉफर ड्रिवन भी कर सकते हो, या फिर एयरपोर्ट ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जिनको ये महंगे शौक है कुछ दिनों का वो ये चीज़ें ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। पर क्या आपको लगता है कि यार लग्जरी कार रेंटल स्टार्टअप आगे ग्रो करेगा? कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब हम थोड़ी बहुत एक्विजिशन न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, स्टार्टअप बेचने पे फाउंडर्स को कितने ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं? तो जो बिल्डेस्क है उनके जो 3IM के फाउंडर्स थे जिन्होंने 2000 में बिल्डेस्क की शुरुआत करी, अब उन्होंने बिल्डेस्क को प्रोस्यूस वेंचर्स के PayU को $4.7 बिलियन में बेच दिया है। और इन तीन फाउंडर्स के पास मिला के करीब 31% स्टेक था। तो अब हर एक को फाउंडर को करीब $500 मिलियन यानी 3500 करोड़ रुपये के आसपास मिलेंगे। तो ये तो यार उन्होंने अपने लिए बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट किया है। बट ये आप देख सकते हैं कि यार धीरे धीरे कितनी ज़्यादा बड़ी बड़ी एक्विजिशंस और फंडिंग हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो रही है, जिसकी वजह से हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम भी काफ़ी अच्छे तरीके से मैच्योर हो रहा है। एक ऐसा स्टार्टअप जिसको दूसरे स्टार्टअप्स को खरीदने के लिए बनाया गया था, उसने अपना पहला स्टार्टअप को अक्वायर कर लिया है। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट ट्राई के ग्लोबल बीस की, जिन्होंने $150 मिलियन की पहले फंडिंग उठाई थी ताकि वो त्रासियो वाला जो मॉडल है जो US में काफ़ी पॉपुलर है, जिसमें वो D2C ब्रांड्स को खरीद के ऑप्टिमाइज करके स्केल अप करते हैं, उस मॉडल पर वो काम करने वाले थे। तो ग्लोबल बीज ने बेटर होम को अक्वायर कर लिया है। तो बेटर होम का बेटर इंडिया की वेबसाइट आपने देखी होगी। तो देखते हैं कि यार इस एक्विजिशन के बाद कैसे ग्लोबल बीज स्केल करता है और दूसरे और कौन कौन से कंपनीज को अक्वायर करता है। तो दोस्तों, ये थी पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस क्रिप्टो फंडिंग और एक्विजिशन न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना, और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब करना और घंटा भी दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आकर वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।